नमस्कार दोस्तों, आप सभी के अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए हम आज चर्चा करेंगे लीगल एविएशन की। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किन 7 बातों को ध्यान में रखते हुए कैसे आप केवल 15 मिनटों के आराम में अपने शरीर की ऊर्जा को पुनः जीवंत कर सकते हैं, शरीर को श्रेणीबद्ध यानी कि सीधा कर सकते हैं और गर्दन में होने वाली अकड़न और दर्द, पोस्चर संबंधी समस्याएं, ऊपरी पीठ दर्द, पीठ के निचले हिस्से में होने वाले दर्द और जकड़न, पेट के विकार, हिप या कूल्हे की समस्या, घुटने की समस्या, एंकल की समस्या और सूजे हुए पैर, इन सभी मुश्किलों से लड़ सकते हैं। ये सारे ही लेग एलिवेशन से संबंधित फायदों के अंश मात्र हैं। शुरू करने से पहले हम आशा करते हैं कि आपने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर लिया है और घंटी के आइकन को दबा दिया है। अगर नहीं तो कृपया अभी कर दें। आइए अब इन 7 बातों को उल्टे क्रम में देखते हैं। क्रम 7 पर हैं आपकी बाहें, जिनको आपको अपने कूल्हों के बगल में कुछ इस तरह रखना है। यह सामान्य शारीरिक मुद्रा के बहुत करीब है और आपकी बाहों और कंधों के जोड़ पर दबाव कम कर सकती हैं। इस वीडियो में दिखाई गई सभी बातें महत्वपूर्ण हैं और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि शरीर को श्रेणीबद्ध यानी कि सीधा करने की इस शैली को पूरी तरह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्रम 6 पर वापस आते हैं, जहां आप अपनी गर्दन की स्थिति ठीक करेंगे। अपनी गर्दन को इस प्रकार से रखने का प्रयास करें बजाय ऐसे रखने के, जो आपकी गर्दन की मांसपेशियों को आराम देकर उन्हें लचीला बना देगा। यदि ये मुद्रा आपके लिए असुविधाजनक है तो आप तकिए का सहारा ले सकते हैं, लेकिन अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए आप अपनी गर्दन को इस प्रकार से रखने का पूरा प्रयास करें। क्रम 5 पर आप अपनी छाती को खोलते हुए अपने कंधों को जमीन की ओर धक्का देकर इस मुद्रा में रखेंगे, जो आपके पोस्चर को सुधार करने के लिए एक कुंजी का काम करेगा। आइए अब हम इस सूची और हमारे शरीर दोनों के ही केंद्र की ओर आ गए हैं। क्रम 4 पर आप अपनी कमर को तटस्थ यानी न्यूट्रल पोजीशन में रखें और यदि संभव हो तो जमीन की ओर धक्का दें। हमेशा याद रखें कि हमारी ये प्रक्रिया शरीर को आराम देने के लिए है, तो जब भी जरूरत महसूस हो तकिए का सहारा जरूर लें। इस प्रक्रिया में क्रम 3 पर आपके कूल्हों यानी हिप्स की स्थिति निर्धारित करेगी कि आपके पैर कितने ऊंचे रहेंगे। इस प्रक्रिया में बिताए हुए हर क्षण पर आपको ध्यान रखना है कि आपके कूल्हे यानी कि हिप्स जमीन पर टिके रहें। अगर आपको अपने हिप्स की स्थिति जमीन से ऊपर उठती हुई महसूस हो तो कृपया रुक जाएं और दीवार से दूर हटते हुए अपनी टांगों को नीचे लाकर उसे ठीक करें। क्रम 2 घुटने के दर्द से पीड़ित सभी लोगों के लिए एक अच्छी खबर लाया है, क्योंकि यह आपके घुटनों को स्थिर करते हुए आपको दर्द से छुटकारा दिला सकता है, जिसके लिए आपको सुनिश्चित करना है कि आपके घुटने इस प्रक्रिया के दौरान सीधे रहें। किसी भी समय अगर आपके घुटने मुड़ने लगें तो कृपया दीवार से पीछे हटें और उन्हें सीधा करें। क्रम संख्या 1 पर आप अपने पैरों को दीवार पर कुछ इस तरह से रखें बजाय ऐसे रखने के। आपके पैरों की ये स्थिति आपको एंकल और घुटनों के दर्द से दूर ले जाएगी। इस वीडियो को धैर्य से देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रतिदिन 15 से 20 मिनट पैरों को ऊंचाई पर रखना अपने शरीर और मस्तिष्क को रिचार्ज करने जैसा होता है।